नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। युवाओं को नौकरी का झांसा देकर वह हसीन सपने दिखाकर ठगी करने के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों ठग युवाओं को अपना शिकार इतनी आसानी से बना रहे हैं जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ठगी का शिकार होने वाले युवा ठग के झांसे में आकर अपने परिवार का पूरा पैसा दांव पर लगा दे रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब ठग का शिकार होने के बाद पीड़ित पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी उनकी सुनवाई आसानी से नहीं करती। थाना रेल बाजार क्षेत्र में खुशबू उर्फ उजमा बानू नाम की पीड़िता ने अपने पिता मोहम्मद असलम के साथ आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व पुष्पेंद्र अग्नोत्री से उसकी मुलाकात घर के पास हुई थी। उस दौरान पुष्पेंद्र ने अपने आप को उत्तर प्रदेश सरकार में गृह विभाग का अधिकारी बताया था और साथ ही पीड़िता की नौकरी किसी बड़े बैंक में अच्छे पद पर लगवाने का लालच दिया था। पीड़िता ने बताया कि उस समय आरोपी के कई महिलाओं से पीड़िता के फोन द्वारा बात कराई गई थी। उन महिलाओं ने भी पुष्पेंद्र की खूब प्रशंसा की तथा कई अन्य लोगों से भी भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलाया और मुझको टहलाता रहा, जिसके चलते पीड़िता को आरोपी ने अपनी बातों में फंसा कर बीती 25 दिसंबर 2021 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक 12 लाख रुपए से भी अधिक अपने पंजाब नेशनल बैंक तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट में ट्रांसफ़र करा लिए। ये पैसे पीड़िता के द्वारा अपनी मां के जेवर गिरवी रखकर दिए गए थे। काफ़ी समय बाद तक नौकरी ना मिलने पर जब पीड़िता के द्वारा पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी दुर्व्यवहार करने लगा। जब पीड़िता की ओर से दबाव बनाना शुरू किया गया तो आरोपी ने 18 नवंबर 2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा में एरिया मैनेजर की पोस्ट का ट्रेनिंग का एक फर्जी लेटर व्हाट्सएप पर भेज दिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता दर दर भटकती रही। अंत में पीड़िता के द्वारा कोर्ट की मदद लेते हुए 420, 406 और 504 में मुकदमा दर्ज कराया। आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक रेल बाजार पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार काफ़ी निराश है। प्रेस वार्ता कर पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करने का निवेदन भी किया है। पीड़ित परिवार का कहना है मामले में विवेचना कर रहे हैं, विवेचन के पास आरोपी का मोबाइल नंबर और फोटो भी उपलब्ध है। अभी फिलहाल आरोपी का मोबाइल चालू है, उसके बावजूद विवेचक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। हम खुशी और पूजमा बानो, मेरे फादर का नाम मोहम्मद असलम सलमानी, मैं रेल बाजार मकान नंबर 44 की निवासी हूँ, रेल बाजार थाने लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदे में नौकरी दिलाने के लिए उसने मुझसे अपने बाद पुष्पेंद्र अग्निहोत्री ने मैं बैंक में नौकरी दिलाने के लिए मुझसे पैसे की मांग की। उसने 12 लाख रुपए मुझसे लिए। जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने बहाना बनाने लगा वो मुझसे। फिर जब बहाना बनाने लगा तो फिर उसके बाद उसने मुझे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया बैंक ऑफ एरिया मैनेजर की पोस्ट की ज्वाइनिंग लेटर दिया, जो मैंने देखा तो वो बिल्कुल फर्जी था। फिर उसके बाद मैंने रेल बाजार थाने में अपनी प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुकदमा भी किया, 156(3) के तहत 420 का मुकदमा किया गया है। 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवेचक द्वारा मुझे यही आश्वासन दिया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है उसकी। पुष्पेंद्र अग्निहोत्री को मैं नहीं जानती हूँ, वो हमारी ऐसे ही मुलाकात हो गई थी अचानक से। तो वो हम बताने लगे अपने बारे में कि मैं भी मतलब जॉब करता हूँ, मैंने बहुत लोगों को नौकरी भी दिलवाई है। जिन लोगों को नौकरी दिलवाई उसने मुझसे बात भी करवाई है उन लोगों से। ये आपने अनजान व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी और कहाँ से दे दी? मैंने उस अपने ट्रांसफ़र किए हैं और उसका स्टेटमेंट है मेरे पास बैंक की। तो ये रकम आपके पास कहाँ से आई? मेरी मम्मी ने दिए हैं, कुछ जेवर वगैरह रखकर इंटरेस्ट पे लेकर दिए हैं, पुश्तैनी जेवर भी थे जिससे उन्होंने दिए हैं पैसे। तो आप विवेचक से मिली, क्या कह रहे? विवेचक ने मुझसे कहा कि आप खुद उनका एड्रेस लाकर दीजिए तो मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, जबकि उनके पास फोटोज नंबर वगैरह सब कुछ है विवेचक का, और उसका फ़ोन नंबर भी चालू है, बराबर वो बात भी करता है फ़ोन पे, और केस कार्रवाई रोकने के लिए भी मुझसे बोलता है कि कार्रवाई रोक दीजिए मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी तक उसने कोई पैसे नहीं दिए हैं मुझे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए इस मामले को, इस संज्ञान में लेते हुए। तो
इस संबंध में किसी शहर के आला अधिकारियों से मिली? अभी नहीं किसी से। और इसके